कहाँ का ट्रिप प्लान हो रहा है, काफी अच्छा काफी इंटरेस्टिंग ट्रिप प्लान हो रहा है और बहुत टाइम से पेंडिंग था ये वाला, कुछ है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है, है ना, इतना अंधेरा हो जाता है, इतना फॉगी फॉगी सा हो जाता है। सो हाँ जी भाई गुड मॉर्निंग है यार, है ना, और भी अभी का अपडेट ये है कि अब हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे आप सभी लोग, आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल निकल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। सो फिलहाल भाई निकल चुके हैं और चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, और भाई अब वीकेंड है बट आज भी जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है उसके पीछे रीजन है भाई अपनी ना, मंडे ट्यूजडे में से ट्यूजडे तो देखो हॉलीडे ही है और मंडे को हम ऑफ ले रहे हैं, है ना सॉरी तो भाई मंडे का ऑफ क्यों ले रहे हैं वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा व्लॉग में, एक दो दिन, जस्ट वन टू डेज, फिर भी यू नो वो बात ही क्या, उस बात की खुशी क्या जो शेयर ना की जाए। तो भाई अपना ट्रिप प्लान हो रहा था वीकेंड पे, तो वही वाले ट्रिप की बात है और बहुत टाइम से पेंडिंग था, अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। अभी देखो मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ बट एग्जैक्टली बताता हूँ आपको, ब्लॉग में आगे बताता हूँ कहाँ का ट्रिप प्लान हो रहा है, काफ़ी अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप प्लान हो रहा है और बहुत टाइम से पेंडिंग था ये वाला। भाई जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना यार, वीकेंड का रियल में यार वेट होता है, बहुत वेट होता है कि यार वीकेंड आए और कहीं ट्रिप पर निकले, तो मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में ना। बाकी फ़िलहाल के लिए भाई देखो काम का ऐसा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, तो अपना जो है ना मतलब एक रेगुलर सा चलता रहता है सिस्टम, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि दिवाली के आसपास कुछ ज़्यादा सेल वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक रेगुलर फॉर्म में अपना मतलब किसी भी मंथ में सर्दी है तो गर्मी है तो अपना रेगुलर सा ही चलता रहता है, ज़्यादा अप्स ज़्यादा यू नो डाउन तो आजकल है आफ्टर कोविड बट ज़्यादा ऐसा मतलब ग्राफ जो है ना ऑलमोस्ट इस तरीके का है, ऐसा और ऐसा नहीं है, है ना, तो ठीक है। अब देख लो जी ये वाली रोड जो है ना, जब इस वाली रोड पे पहुंच जाते हैं, कौन से वाली रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली भाई, इस रोड पे पहुंच के ना पूरी फील आ जाती है कि भाई अब तो ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है ना, और लेकिन जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट जो अभी आएगा उस पॉइंट के बाद ऐसा लगता है कि भाई ऑफिस कैसे पहुँचेंगे आई प्रोबेबली मतलब मुझे लगता नहीं कि भाई ठीक हो गया होगा, बाकी सेम का सेम ही होगा, बाकी हो गया हो तो वेल एंड गुड है, बाकी लगता नहीं भाई, है ना। सो जी देख लो मैं एग्जैक्टली ना इसी चीज़ की बात कर रहा था, और ये ऐसे का ऐसा ही है बल्कि और भी ज़्यादा आगे तक स्ट्रेच हो गया है, देख रहे हो। अब भाई यहाँ पर ड्राइव करना एक अलग ही एडवेंचर है, इसलिए ना ऑफ रोडिंग में जाने का अपने को क्रेज़ ही नहीं है, क्योंकि डेली ऐसा ऑफ रोड करते हैं भाई, देख रहे हो डेली ऐसा ऑफ रोड करने को मिलता है अपने को, लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर भाई। सो भाई देख सकते हो कितना ज़बरदस्त ट्रांसल्यूसेंसी है ड्यू टू डस्ट पॉल्यूशन, है ना, और फिलहाल भाई ऑलमोस्ट ना ऑफिस के नियर बाय पहुँच चुके हैं, तो अभी इस व्लॉग के लिए एंड का टाइम नहीं है, जस्ट एक छोटा सा पॉज ले रहा हूँ, वो भी मैं ले रहा हूँ बट वीडियो में तो आपको कॉन्टीन्यूटी मिलेगी, बस मैं दो मिनट में यूं गया और यूं आया। और इसी के साथ गाइस अभी ना शाम का कुछ प्लान हो रहा था, अभी पीछे मैं रिकॉर्ड भी इसलिए नहीं कर पाया, शमीत भाई से बात हो रही थी, तो इफ़ पॉसिबल अगर थोड़ा सा अर्ली निकल पाए ऑफिस से तो भाई जल्दी निकलेंगे और आज चलेंगे गोल्फ एक्सप्लोर करने। सो फाइनली भाई निकल चुके हैं अपने ऑफिस से, और भाई इतना ज़्यादा लेट हो गए ना भाई, इतना ज़्यादा लेट हो गया क्या ही बोलूँ यार, एक तो जल्दी निकलना था बट भाई आज ना इतने बैक टू बैक भाई एक से एक काम ना मतलब रेडी थे रेडी, कि भाई मैं थोड़ा सा किसी चीज़ से फ्री हूँ तो दूसरा काम, दूसरी चीज़ से फ्री हूँ तीसरा काम,
आपको क्या बोलूं भाई, इतना ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल, इतना हैक्टिक ना भाई, आप सोचोगे कि ऐसी, मैं मतलब कह रहा हूँ भाई, ये देख लो भाई, मैं अभी मतलब क्या बताऊँ आपको, दिखाता हूँ, ये देखो भाई, मैंने अभी ना अपना मतलब लंच भी नहीं किया है भाई, लंच पूरा दिन ऐसे निकल गया ना, क्या बताऊँ भाई, लंच भी नहीं कर पाया, आप सोचो भाई, इतना हैक्टिक डे गया ना भाई आज, इतना ज़्यादा हैक्टिक, कुछ नहीं कह सकते भाई। फिलहाल अभी चल रहे हैं भाई घर की तरफ, है ना, अब लेट इतना हो चुके हैं यार, अब इस समय तो आपको पता ही है, ऑलरेडी वेदर चेंज हो चुका है, और इस समय भाई कुछ है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है, है ना, इतना अंधेरा हो जाता है, इतना फॉगी फॉगी सा हो जाता है, तो भाई नॉट पॉसिबल। फिलहाल अभी चलते हैं सीधा अपने घर की तरफ। तो भाई मुझे पता है आप सोच रहे हो कि यार मैं अभी यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ये कौन से रास्ते से जा रहा हूँ। अगर आप व्लॉग पहले से देखते हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये वो रूट नहीं है जो डेली हम लोग लेते हैं। बट भाई एक्चुअली ना आज यार अपनी एक मीटिंग थी, तो जल्दी से काम फिनिश करके पहले वहीं पर पहुँचे, मीटिंग वगैरह करी, आप फिलहाल यहाँ से फ्री होके आप सीधा घर की तरफ निकल रहे हैं। सो फाइनली गाइज अपने घर के नियर बाय पहुँच चुके हैं, और फटाफट चलते हैं घर पे, पहुँचते हैं, थोड़ा फ्री वगैरह होते हैं, डिनर करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग है यार, है ना, और भाई कल वाला व्लॉग ना मैंने एंड नहीं किया था यार, आपको पता ही है यार, थोड़ा सा अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करना है ना, तो अभी मॉर्निंग है और आपको पता ही है भाई, ट्रिप का प्लान है, कहीं ना कहीं निकलना ही है। तो फिलहाल के लिए भाई अभी का अपडेट ये है कि अभी अर्जेंटली सवेरे जा रहे हैं बैंक में, क्योंकि अपने को ना किसी से मीटिंग करनी थी, और बैंक के अंदर नहीं करनी थी, बैंक के सामने मिलना था, तो एग्जैक्टली इसीलिए बैंक पे जा रहे हैं। तो फटाफट पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं और फिर निकलेंगे, क्योंकि भाई लंबा यार वीकेंड है, मतलब वीकेंड क्या बोले यार, मतलब थोड़ा सा 2-3 दिन का वैकेशन है दशहरा है, इसीलिए यार फिर ना हो नहीं पाता, वो डिले हो जाता है इसीलिए। सो भाई ग्रीन लाइन हो रखी है भाई, ये रेड ना हो जाए बस, मैं निकल जाऊं, और यस फाइनली, है ना, जब आपको जल्दी होती है ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशंस आप मतलब चाहते हो कि यार ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए तो फिलहाल भाई ऐसा हो चुका है, और यहाँ से अभी अपने को लेना है लेफ्ट। सो फाइनली भाई अभी वापस घर की तरफ पहुँच रहे हैं यार, है ना, और इतना जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था, इतनी जल्दी बात सेटल हो गई ना यार, एक तो बेल्ट नहीं लगाता ना मैं, ये भी तो। सो भाई फाइनली यार अब घर के पास पहुंचने वाले हैं ना, तो अभी पहुंच के और फिर कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं यार, और अब बहुत सारी अपने को तैयारी करनी है, थोड़ा पैकिंग वगैरह करनी है, सारी चीज़ें करनी है, प्लान करके फटाफट फिर निकलना है अपनी ट्रिप के लिए। तो भाई फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ यार इस वाले व्लॉग को ना यहीं पर एंड कर देते हैं यार, वैसे अभी प्लान नहीं था, अभी एक दो चीज़ें और करनी थी, बट अभी सोच रहा हूँ कि यार यहीं पे प्लान कर रहा हूँ कि अभी इसको स्टॉप कर देते हैं, मतलब स्टॉप इन द सेंस कि एंड कर देते हैं। और भाई अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो भाई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, और मिलता हूँ आपसे अभी थोड़े देर में एक नए व्लॉग में, टिल देन स्माइल। Keeping your life 05 आपके भाई की इंस्टा आईडी है, प्लीज जल्दी से आके फॉलो कर लो।